How to fix OnePlus 7T contact name not showing in call log problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में कंटेक्ट नेम शो जो नहीं करते हैं आपके कॉल लॉक पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कंटेक्ट नेम दोस्तों अगर आपके कॉल लॉक पे शो नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों कैसे शो करवाना है, कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स, कुछ सॉल्यूशंस करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेगा कि कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है, ठीक है, जो कॉल लॉक पे आपका कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ क्या करना है, आपके प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है फ़ोन सर्विस, और सबसे पहले आपको फ़ोन सर्विस अपडेट करना है। उसके बाद आपको बैक करना है, उसके बाद आपको दोबारा से जाना है और कॉन्टैक्ट सर्च करना है। कॉन्टैक्ट सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट को भी अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट को भी आपको अपडेट करना है। तो फ़ोन सर्विस कॉन्टैक्ट दोनों को अपडेट करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करें, चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाके दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद जाना है स्टोरेज, क्लियर डेटा, ठीक है, क्लियर स्टोरेज, ओके। ओके करने के बाद बैक करना है, सारे परमिशंस आपको चेक करना है, परमिशंस अलाउ होना चाहिए, मेक श्योर टू इनेबल इट। और उसके बाद आपको सर्च करके नीचे जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोन सर्विस। ठीक है, तो फ़ोन सर्विस मिल जाने के बाद आपको करना है परमिशंस, ओके। परमिशन अलाउ करने से पहले आपको स्टोरेज क्लियर कर देना है, ओके कर दीजिए। क्लियर स्टोरेज करने के बाद दोस्तों आपको परमिशन अलाउ करना होगा, मेक श्योर टू इनेबल ऑल द परमिशंस। ठीक है, सारे परमिशंस इनेबल करें, उसके बाद बैक करें, मोबाइल को रिस्टार्ट करें और उसके बाद चेक करके देखें, मोबाइल को रिस्टार्ट करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आपको जाना है कॉन्टैक्ट्स पर। कॉन्टैक्ट्स पर जाने के बाद दोस्तों आपको थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सेट होना चाहिए कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स। तो थ्री डॉट्स में क्लिक करें और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है ऑप्शन। ठीक है, तो मैं एक बार अच्छे से आपको चेक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सारे जीमेल अकाउंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ कहीं भी आपके जो कॉन्टैक्ट से आपने सेट कर रखा है वो आप यहाँ पे एक ही बार में देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट ये वाला सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो कॉन्टैक्ट है सारे के सारे यहाँ लिस्ट पे आ जाएगा और उसके बाद आपके कॉल लॉग पे भी कॉन्टैक्ट शो होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट क्यों शो नहीं होते कॉल लॉग पे, क्योंकि दोस्तों कॉल लॉग पे इसलिए शो नहीं होते क्योंकि आपने ऑल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट नहीं कर रखा होता है, तो उसी के वजह से प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको ये सारे सॉल्यूशन फॉलो करना है जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों इतना में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर नहीं होते तो मैं आपको दो एडिशनल सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करके देखिए, उसके लिए पावर बटन आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद 2 सेकंड आपको पावर ऑफ के बटन पे क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है, तो सेफ मोड पे फ़ोन रिबूट हो जाएगा। उसके बाद चेक करके देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। और नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन है, तो सिस्टम को भी अपडेट कर दीजिए। तो ये सब आप सॉल्यूशन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और इससे आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट नेम नॉट शोइंग इन कॉल लॉग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।